हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। सो यूजिंग द फैक्ट दैट दिस वैल्यू, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू है लाइक दिस एंड द डिफरेंशिएशन, ऑब्टेन द सम फॉर कोसाइंस। सो जिस तरह से आप साइन की वैल्यूज देख रहे हैं सम के लिए, सम मीन्स ए प्लस बी का सम, राइट? सो एक तरह का ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर आपको कैसे प्रूव करनी है वैल्यू, किस चीज़ के लिए आपको प्रूव करनी है? कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकाल के आओ, जैसे उसका फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली। एंड कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये वैल्यू आपको लेकर आनी है, आपको ये शो करना है, ठीक है? डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब यही है। लेकिन ये वैल्यू किस तरह से लेकर आनी है उन्होंने वो भी क्लियर बताया हुआ है। यूजिंग दिस फैक्ट, इस इक्वेशन का यूज करेंगे एंड साथ में डिफ्रेंशिएशन करते हुए आपको लेकर आनी है ये वैल्यू, ठीक है? सो स्टेप बाय स्टेप देखो, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर आपके पास देखो वैल्यूज क्या हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट? सो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, राइट? सो मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही मैं पूरी इक्वेशन में डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो आपके पास वैल्यूज कैसे आएंगी? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वैल्यू। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ। सो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपके पास? कॉस, एंड जो भी एंगल में वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। एंड विद द हेल्प ऑफ चेन रूल ए प्लस बी का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, राइट? सो जैसे वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है और डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपकी वैल्यू कैसे रह जाती है? एग्जैक्टली इस तरह से रह जाती है, राइट? सो यहाँ पर भी ए और बी समझो जैसे ये वाई है, तो इसको ए को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वैल्यू क्या रह जाएगी आपके पास? डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है? सो हमने चेन रूल अप्लाई किया है ए प्लस बी का भी, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज कुछ इस तरह से आई है, ठीक है? सो ये था लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस के इस साइड वैल्यू देखो, आपके पास साइन ए कॉस भी है। यहाँ पे क्या लग रहा है? प्रोडक्ट रूल लग के सॉल्व होगा। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो तब भी प्रोडक्ट रूल की हेल्प के साथ सॉल्व होगा। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखो, डिफ्रेंशिएशन करने जा रही हूँ कॉस बी का, दैट मीन्स सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स माइनस साइन बी, एंड विद द हेल्प ऑफ चेन रूल इस बी का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, राइट? दैट मीन्स डी बी अपॉन डी ए। क्योंकि अगर हम बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते और वैल्यू होती ऊपर डी बी, तो बी कैंसिल होकर वन वैल्यू देती आपको, राइट? सो बी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम डिफ्रेंशिएट करते तो वैल्यू आपको ये मिलती। लेकिन यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं और वैल्यू अगर बी है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो वैल्यू आपके पास इस तरह से आएगी, राइट? सो अब ये फंक्शन की वैल्यू आपने एज इट इज लिख देनी है, कॉस बी। अब बारी है साइन ए के डिफ्रेंशिएशन होने की, तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए। सो ये पोर्शन का जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है वो एग्जैक्टली इतना आया है। यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ इस पोर्शन के लिए डिफ्रेंशिएशन। कॉस ए एज इट इज आ जाएगा, सो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस बी डी बाय डी एक्स प्लस साइन बी एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ए, दैट मीन्स माइनस साइन ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए। सो राइट हैंड साइड को मैं एक लाइन में आपको अगर शो करूँगी, तो आपके पास ये माइनस था यहाँ पर, माइनस साइन ए साइन बी, और इसके साथ क्या था? डी बी अपॉन डी एक्स। सो अगर आप इस लाइन को एक लाइन में अगर देखना चाहते हैं, तो मैंने वो भी आपको लिख के दिखा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये टर्म है आपके पास माइनस की, ये भी आपके पास टर्म क्या है? माइनस की। अब आपको इसमें करना क्या है एग्जैक्टली देखो, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी कॉमन आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस ए कॉस बी अगर कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास अंदर वैल्यू क्या बचेगी? यहाँ से डी ए अपॉन डी एक्स और यहाँ से डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है? सो इस पोर्शन को सॉल्व करके मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये दोनों के पास क्या है? माइनस। सो माइनस क्या लिख लो? कॉमन।
और वैल्यूज क्या कॉमन आ रही हैं, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, तो ये भी मैंने माइनस के साथ क्या लिख ली है, बाहर। और इनके साथ वैल्यू अंदर क्या आएगी, अब पॉजिटिव में आएगी क्योंकि माइनस आप ऑलरेडी बाहर लिख चुके हो। और यहाँ से डी ए अपॉन डी एक्स, अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे फिर से कुछ न कुछ वैल्यू कॉमन है, दैट मीन्स दिस एंड दिस। सो यहाँ पे ये वैल्यू को कॉमन लिख रही हूँ, यहाँ से कॉस ए कॉस बी, यहाँ से माइनस साइन ए साइन बी, राइट। सो यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड में आपने सॉल्व करके यहाँ तक आप लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में था क्या, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में था कॉस ए प्लस बी, और साथ में क्या था प्रोडक्ट में, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। एंड राइट हैंड साइड में भी आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में ही ये सेम वैल्यू है, लाइक दिस। सो क्लियरली ये कैंसिल हो गई, राइट। अगर ये यहाँ पे भी इसको लेकर जाते हो तो ऊपर आपके पास वैल्यू ये है और नीचे ये होती, तब भी कैंसिल आउट हो जाती। सो क्लियरली आप इसको कैंसिल कर सकते हो, राइट। सो अब आपके पास कॉस की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आई है, कॉस ए प्लस बी, जो कि आप फाइंड करना चाहते थे, जिसकी वैल्यू है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यही आपको शो करना था, सम ऑफ कोसाइंस, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या वैल्यू लेकर आनी है, एक एग्जाम्पल देना है बस सिंपल सा, जिसमें कि आपके पास वो जो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूस तो होगा हर जगह लेकिन डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा एग्जैक्टली सिर्फ टू पॉइंट्स पर। सो ऐसा फंक्शन देखो x माइनस वन प्लस मॉड में x माइनस टू। सो ये वाला जो फंक्शन है एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूस तो होगा हर जगह लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू वन एंड टू पर, ठीक है। तो ये आपको जस्ट सिंपल एग्जाम्पल देना था, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास y की वैल्यू है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, आपको प्रूव करना है दैट dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ लाइक दिस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये y है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है और इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है कि आपके पास ये वैल्यू आए। सो क्लियरली सबसे पहले आप y को, अगर इस वैल्यू को डिटर्मिनेंट को अगर आप ओपन करते हो यूजिंग फर्स्ट रो, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, एफ एक्स एज इट इज, यहाँ पे वैल्यू लाइक दिस, एम सी माइनस बी एन माइनस जी एक्स। सिर्फ मैं फर्स्ट रो की हेल्प से डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ओपन कर रही हूँ, नथिंग एल्स, y की वैल्यू एज इट इज लिख दी है मैंने। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एल सी माइनस ए एन, यहाँ पे प्लस एच एक्स के साथ वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एल बी माइनस ए एन। सो ये आपके पास अब y की इक्वेशन है जब आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इस तरह से लिख दिया है। अब आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो क्लियरली देखो ये सब टर्म्स क्या है, कॉन्स्टेंट, इनको एज इट इज रहने दो। फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा एफ डैश ऑफ एक्स, ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी साथ में, जी डैश ऑफ एक्स, ऐसे ही एच डैश ऑफ एक्स। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज हैं राइट हैंड साइड में, ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज एग्जैक्टली सेम की सेम है जैसे यहाँ पर थी। तो अगर यहाँ पे ये स्टेप आया था, कहाँ से आया था, ये डिटर्मिनेंट से, तो ये सेम वैल्यूज अब मैं वापस से क्या लिख सकती हूँ, डिटर्मिनेंट में जहाँ पर ये थी। और ये एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स वैल्यू कहाँ से आई थी, फर्स्ट रो से। सेम वे मैं एफ डैश ऑफ एक्स ये वैल्यूज कहाँ लिख दूंगी, फर्स्ट रो में। सिर्फ ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आप देख रहे हो, ये तो ओपन करने का तरीका है डिटर्मिनेंट को। अगर आप इस चीज़ को राइट हैंड साइड को ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला फर्स्ट रो अप्लाई करके भी, तब भी आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ये। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, राइट। सो क्लियरली आप ये लेकर आ चुके हैं लाइक दिस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। इफ वाई इज इक्वल्स टू दिस, शो करना है आपको ये। सो ये वैल्यू बहुत इजी है लेकर आनी, लेट्स सी हाउ। आपके पास y वैल्यू है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इज एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। लेकिन ये तब है जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो, और यहाँ पे सिंपल क्या है, x।
जैसे ही अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में और फंक्शन ऊपर एक्स की जगह कुछ और आ जाता है लाइक साइन एक्स आ जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ई साइन एक्स तो लिखते ही हो, लेकिन साथ साथ चेन रूल के हेल्प के साथ साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, दैट मीन्स कॉस एक्स। तो ये वैल्यू आती है आपकी इस तरह से। सो एग्जैक्टली यहाँ पे ए कॉस इनवर्स एक्स ये वैल्यू एग्जैक्टली इस तरह से तो आएगी ही आएगी, साथ में होगा चेन रूल की हेल्प के साथ इस पूरी टर्म का डिफ्रेंसिएशन। सो जिसमें से कि एक ए जो है वो कांस्टेंट टर्म है राइट, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो अल्टीमेटली डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई है आपकी, ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स माइनस ए अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब एग्जैक्टली आपको करना क्या है, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगी लाइक दिस, ई ए कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे माइनस ए साथ में प्रोडक्ट, माइनस ए यहाँ पे साथ में प्रोडक्ट की फॉर्म में आपका चल रहा है ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस टर्म को क्या लिखने वाली हूँ, वाई, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ही देख लो आपके पास ये पूरी y की टर्म थी लाइक दिस, तो ये टर्म को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ y, माइनस a ऑलरेडी है, इस टर्म को मैंने y लिख दिया है, तो आपके पास इस तरह से अब आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों करना है डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी तो चाहिए राइट, सो इसलिए एक बार अगर आप डिफ्रेंशिएट कर भी चुके हो तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ही चल रहा है। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस आपको वैल्यू मिलेगी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स दैट मीन्स सेकेंड फंक्शन एज इट इज, टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वैल्यू क्या आएगी, रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट जो भी वैल्यू थी उसके अंदर, एंड उस वैल्यू का भी डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास ये टर्म आई है, माइनस ए कॉन्स्टेंट था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई इज लाइक दिस। सो यहाँ पर ध्यान से देखो रूट में क्या चल रहा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ऊपर ही वैल्यू क्या है ऐसे इस तरह से, और माइनस साथ में 2x है, और लेकिन इसके नीचे क्या है साथ में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है। सो यहाँ पर अब एलसीएम लोगे तो बेस में वैल्यू आएगी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ x, क्योंकि ये माइनस था एक्स साथ में आ चुका है, माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस रूट को यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में। सो जैसे ही मैंने यहाँ का जो रूट आ रहा था एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर शिफ्ट किया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखो बहुत ही ध्यान से कि क्या होने वाला है। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी जगह में मैं कुछ वैल्यू पुट करने वाली हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वैल्यू क्या थी, माइनस ए, तो यही वैल्यू मैं वहां पे पुट करने वाली हूँ, दैट मीन्स इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू। सो माइनस ए यहाँ पे ऑलरेडी है, सो यहाँ पे इस वैल्यू की जगह माइनस ए वाई। सो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो चुका है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे इस साइड शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा राइट। सो ये जो टर्म्स हैं ये एज इट इज रहने दो, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये टर्म्स इधर आएंगी तो नेगेटिव में ही आपको दिखेंगी, दैट मीन्स ए स्क्वेयर बाय और यहाँ पे रह जाएगा जीरो। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, यही आपको शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।